अब मैं आज के इस जलसे आम के सबसे अहम और आखिरी खतीब को दावत खिताब देने से पहले कुछ ऐलानात हैं। एक तो कुछ मसाजिद के ताउन की गरज से खार घर नवी मुंबई का इलाका है, अहबाब जमात की तादाद बहुत कम है, वो लोग आपके ताउन के बिला सुबह मुस्तहिक हैं, मस्जिद के अतराफ़ में वो जमा हैं, उनका ताउन करें। इसी तरह मलाड़ मालूनी में एक मस्जिद के लिए जगह ली गई है, कुछ लोग आए हैं, आप उस अल्लाह के घर के लिए भी ताउन करें। इसी तरह 23-24 अप्रैल बरोज शनिचर इतवार जामे मस्जिद अहल हदीस मदरसा रहमानिया कमला रामन नगर बैगनवाड़ी में 2 रोज़ा खैर उम्मत कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आप हजरात तारीख नोट फरमा लें और कसीर तादाद में शरीक होकर उलमा के खिताबात से फ़ायदा उठाएँ। 23-24 अप्रैल बरोज शनिचर कमला रामन नगर बैगनवाड़ी। अब मैं शेख से गुजारिश करता हूँ, बसद एहतराम मुल्तमिस हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ और इल्मे दीन अहमियत और ज़रूरत के मौजू पर खिताब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हमदलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون। हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, किसी शख्स को अगर किसी आलिम से कद या कोई पुरखाश हो तो अपने इस बगीज ख्याल का इजहार वो इस तरह करता है, अरे वो आलिम है, शैतान तो बहुत बड़ा आलिम था, मुअल्लिमुल मलकूत था। इस तरह एक ही जुमले में अरबाब इल्म की फजीलत पर बड़ी ही चालाकी और बड़े ही शातिराना अंदाज में हाथ साफ कर दिया गया। क्या ख्याल है? बकौले शायर कि सिर्फ मेरे आशिया के चंद तिनकों के लिए, सिर्फ मेरे आशिया के चंद तिनकों के लिए बर्क की जद पर गुलिस्तान का गुलिस्ता रख दिया। हालांकि किसी सही हदीस से यह साबित नहीं है कि शैतान बहुत बड़ा आलिम था, न किसी सही हदीस से यह साबित है कि वो मुअल्लिमुल मलकूत था। कुरान हकीम की रोशनी में जहां तक मैं समझता हूं कि अगर ये जिन्नों में से था, जैसे कि कान मिनल जिन्न, अगर ये जिन्न था तो जिन्नों का इल्म इंसानों के इल्म से कमतर है। दलील ये आया थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलके सबा का तख्त जल्द अज जल्द सबा से फिलिस्तीन कौन ला सकता है, तो قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين। मैं आपका ये तख्त, ये कौन बोल रहा है? वो भी जिन नहीं, जिन्नों में जो सबसे ज्यादा ताकतवर अफराद होते हैं जिनको इफरीत कहा जाता है,
उनमें से एक ताकतवर जिन्न ने यह कहा कि मैं दरबार बर्खास्त होने से पहले ही ले आऊंगा, कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें, मैं ले आऊंगा और मैं ताकतवर भी हूं और मैं अमानतदार भी हूं, किसी किस्म की खयानत नहीं होगी और जो मैंने कहा है मैं जरूर भी जरूर करूंगा, इसलिए कि मेरे अंदर वो पावर मौजूद है। वक्त मुहद्दत क्या था, टाइम क्या दिया, अंतकूम मिन मकामिक, दरबार बर्खास्त होने से पहले खड़ा हुआ एक इल्म वाला, قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك, तो जिसके पास किताब का एक मखसूस इल्म था, इल्म को नकेरा ला करके बताया जा रहा है कि कोई उलूम मखसूसा में से कोई इल्म मखसूस था, वो भी किताब का, और उस आदमी के पास था जो जिन्न नहीं इंसान था। कुछ लोगों ने कहा है खुद हजरत सुलेमान थे, मुख्तलिफ अक्वाल इस ताल्लुक से हैं, बहरहाल वो इंसान था। उसने ये कहा जिसके पास किताब का एक इल्म था कि दरबार बर्खास्त होने में तो काफी वक्त लगेगा, मैं पलक झपकते ही मलके सबा का तख्त सबा से तकरीबन 1500 किलोमीटर के फासले से फिलिस्तीन ले आऊंगा। कुरान हकीम की ये दो आयत कोई भी अगर अपने मुताले में रखेगा तो यह फैसला करने पर मजबूर होगा कि इंसानों का इल्म जिन्नों के इल्म से बड़ा हुआ है। तो यह कहना कि शैतान भी बहुत बड़ा आलिम था या है और वह मुअल्लिमुल मलकूत था, बोलन तो इस सिलसिले में कोई सही रिवायत मिलती नहीं। और इन आयात से यह पता चलता है कि इंसानों का इल्म बढ़ा हुआ है बिलमुकाबिल जिन्नों के और शैतानों के इल्म के। और जाहिर है जहां तक फरिश्तों के इल्म का मामला है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों पर फजीलत अता फरमाई वो इसे इल्म के बिना पर था। आदम को आसमा सिखला दिए गए और फरिश्तों से पूछा गया बताओ इन इन चीजों के नाम, कालू सुबहानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, हमें इस बात का इल्म नहीं है, जितना तूने हमें इल्म दिया बस हमें उतना ही इल्म है। लेकिन हजरत आदम से जब कहा गया तो उन्होंने फटाफट हर एक के नाम बता दिए। इस तरह इल्म की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फौकियत मिली फरिश्तों के ऊपर। सवाल यह है कि इल्म से मुराद कौन सा इल्म है, तो एक उसूल इस सिलसिले में जान लें कि जहां पर कुरान में या किसी हदीस में करीने सारिफा अगर मौजूद ना हो तो अगर अल इल्म आता है तो उससे मुराद इल्म दीन ही होता है। आइए एक हदीस देखते हैं, हदीस इस तरह वान जियाद, बहुत प्यारी हदीस है, उससे मैं चंद इस्तिदलालात करना चाह रहा हूं, आप लोग देखें। वान जियाद इब्न लबीद कॉल ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند اواني ذهاب العلم قال قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرا القران ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القيامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم या जियाद इन्नी लअराक मिन अफकह रजुल बिल मदीनती अवलैसल यहूद वन्नसार यकरऊन तौरात वल इंजील ला यालमून शैअं मिम्मा फीहिमा, रवाहु इब्न अबी शैबा फी मुसन्नफी, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इब्न अबी शैबा लाए। जियाद इब्न अबी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उठाई है, मैं उस वक्त वहां मौजूद था,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज का जिक्र फरमाया, ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज का जिक्र फरमाया और ये फरमाया कि इल्म एक दफा उठा लिया जाएगा और ये इल्म के चले जाने का वक्त होगा। वज़ा का इन द अवान ज़हाबिल इल्म, इल्म एक वक्त आएगा उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि जब मैंने ये सुना तो फौरन मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल कैफ रबुल इल्म, इल्म कैसे चला जाएगा, जबकि हम कुरान पढ़ते हैं और हम कुरान अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इस तरह कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा तो इल्म चला कैसे जाएगा। इसमें एक नुक्ता ये मिला कि अल इल्म यहां करीने सारिफ के बगैर है, लिहाजा यहां जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल इल्म कहा वह दा का इंद अवान ज़हाबिल इल्म, तो हजरत ज़ियाद इब्ने लबीद ने यही समझा कि यहां मुराद इल्म से इल्मुल कुरान और हदीस ही है। उन्होंने फौरन कहा अल्लाह के रसूल कैफ यज़हबुल इल्म, इल्म कैसे चला जाएगा। वह नहनु नकरउल कुरान, हम कुरान पढ़ते हैं, इसका मतलब अल इल्म अगर करीने सारिफा के बगैर हो तो उससे सहाबे किराम यही समझते थे कि इससे मुराद कुरान और हदीस का इल्म है। वह नहनु नकरउल कुरान, हम कुरान पढ़ते हैं और हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इस तरह कयामत तक सिलसिला जारी रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर के ये फरमाया ज़ियाद मैं तुम्हें मदीना में सबसे समझदार आदमी समझता था और तुम कैसी अहमकाना बात कह रहे हो, क्या तुम ये नहीं देखते कि यहूदियों के पास तौरात है और ईसाइयों के पास इंजील है और दोनों यहूद तौरात पढ़ते हैं ईसाई इंजील पढ़ते हैं और सिलसिला बसिलसिला ये अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, वो तौरात पढ़ाते हैं वो इंजील पढ़ाते हैं, लेकिन आप देखें कि ये उनमें से किसी चीज के ऊपर अमल नहीं करते हैं। पता ये चला कि इल्म से मुराद इल्मुल कुरान वल हदीस और इल्म के बगैर अमल मुमकिन नहीं और मुमकिन भी हो तो बेसूद है, ये दोनों लाजिम मलजूम है। इल्म के साथ अमल और अमल के साथ इल्म, यहूदियों के पास इल्म था अमल नहीं था, ईसाइयों के पास अमल था इल्म नहीं था, इसी वजह से एक को ज़ालिम कहा गया दूसरे को मग़ज़ूब अलैहिम कहा गया, और अनामता अलैहिम के रूट पर चलने वाले वो थे जिनके पास इल्म भी था जिनके पास अमल भी था। तो गोया अगर हम ये कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनामता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वल ज़ालिम, तो हम इस तरह दुआ एक तरीके के करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें ऐसा इल्म मत देना जिसके साथ अमल ना हो, जैसा कि यहूदियों के पास था, और ऐ अल्लाह हमें वो अमल ना देना जिसके पसे पुष्ट इल्म की मजबूत दीवार ना हो, इल्म के साथ अमल हो और अमल के साथ इल्म, जैसा कि अनमत अलैहिम के बारे में कहा गया सरात अल्लदीना अनमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो इल्म के साथ अमल जरूरी है, इल्म और अमल दोनों लाजिमो मलजूम हैं। यही इल्म है जिसके बारे में यह फरमाया गया कि कुर्ब कयामत के वक्त यही इल्म उठा लिया जाएगा। कौन सा इल्म? ये कुरान और हदीस का इल्म। अभी मैं एक बड़ी अच्छी बात कहने जा रहा हूं, पहले वो हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस हदीस इस तरह वान अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا رواه البخاري في كتاب العلم। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल इल्म के अंदर लाए, रावी हजरत अनस बिन मालिक हैं। हजरत अनस फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत की अलामत में से एक अलामत यह, सबसे पहले किस चीज को जिक्र किया, अय्युर फाल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा,
आप एक सवाल करेंगे कि इल्म तो बढ़ता जा रहा है, पहले लोगों को जब बात करनी होती थी किसी से तो एक खत लिखते थे, और लिखना नहीं आता था तो गांव के पढ़े लिखे आदमी से, लिखने वाले आदमी से लिखाते थे, फिर वो पोस्ट किया जाता था, और फिर वो खत बंबई पहुंचता था, दिल्ली पहुंचता था, फिर उसके बाद बेटा उसको पढ़ने के बाद कुछ जवाब देता था। इस तरह इस मुरासलत का जो दौरानिया होता था, कभी कभी एक महीने पर मोहित होता था, या इस तरीके से दो महीने पर या 15 दिन पर मोहित होता था। लेकिन अब इल्म इतना बढ़ चुका है कि दुनिया मुट्ठी में आ चुकी है, एक मिनट के अंदर हम इस दौरानिए को तय कर लेते हैं, इस फासले को तय कर लेते हैं और गुफ्तगू हो जाती है। टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, इल्म तो बढ़ रहा है, लेकिन आपको बताऊं कि ये इल्म ऐसा है, इल्म ऐसा है जिस इल्म की नाक में उस इल्म की नकेल नहीं है जिस इल्म का तस्करा इन हदीसों के अंदर किया गया है। इसी वजह से वो इल्म बढ़ रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंसान हर मैदान में, अखलाक के मैदान में, कोई भी मैदान देख लो, कहने की जरूरत नहीं, हर मैदान में दीवालिया होता चला जा रहा है। क्यों? ये वही इल्म है जो शेख अब्दुल अजीम की जबान में ख्वाब पढ़ाता है, ख्वाब। और एक शेर में मैं कह दूं कि ये इल्म सिर्फ ख्वाब बढ़ाता है, ख्वाब। जानिसार अख्तर ने बहुत अच्छा शेर कहा है कि इसी सबब से हैं शायद अजाब जितने हैं, इसी सबब से है शायद जितने डिप्रेशन हैं, जितने भी इस्तेराबात हैं, जितने भी खलफशारात हैं, और जितने भी परेशानियां हैं, इसी सबब से है शायद अजाब जितने हैं, झटक के फेंक दे पलकों पे ख्वाब जितने हैं। तो ये ख्वाब जो है ये बढ़ा रहे हैं इस तरह बात को और परेशानियों को। ये इल्म ख्वाब को जन्म देता है, और ये ख्वाब इंसान को तरह तरह के अजाबात में मुबतला करते हैं। और बहुत खूबसूरत शेर है, इसी सबब से है शायद अजाब जितने हैं, झटक के फेंकते पलकों पे ख्वाब जितने हैं। ये इल्म ख्वाब दिखाता है, और ये इल्म जिस इल्म के बारे में बात हो रही है, ये इल्म उस इल्म से अफजल है। आइए हम तकसीम कर लेते हैं पहले इल्म की। बुनियादी तकसीम हम इस तरह करेंगे कि इल्म की दो किस्में होती हैं, इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे, ये हम तकसीम करेंगे। दलील, दलील ये हदीस पाक। वा नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم في كتاب الوصيه। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे किताब अल वसीया के अंदर लाए, और रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब मर जाता है तो उसका अमल उससे खत्म हो जाता है। एक बात, चलिए पहले यह बात कर लेता हूं, उसके बाद एक अजीबोगरीब बात करूंगा मैं आपसे। जी, जब इंसान खत्म हो मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है तो उसका अमल उससे खत्म हो जाता है, मगर तीन चीजें जिसमें उसका अमल दखल होता है मरने के बाद भी उसे मिलता रहता है, एक सदका जारिया, और दूसरा ऐसा इल्म जो नाफे हो, नाफे जी, जो नाफे, नफा देने वाला हो इंसानों को। अच्छा, या बेटा बेटी हो, औलाद हो जो उसके लिए दुआ करे। इन तीन चीजों का सवाब मरने के बाद भी उसे मिलता रहता है। इसमें आप देख रहे हैं दूसरी चीज इल्म नाफे है, गोया इसमें तकसीम की गई इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे की। तो इल्म नाफे के हुसूल में हम आगे बढ़ेंगे, और इल्म गैर नाफे से हम अल्लाह की पनाह मांगे कि अल्लाह ऐसा इल्म देना ही नहीं जो नफा न दे। दलील, दलील ये हदीस पाक। वा नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع رواه ابن ماجه في كتاب العلم। حضرت امام ابن ماجه رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ربی اس حدیث کے ابو ہریرہ ہی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے۔ कौन सी दुआ? ये।
अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन इल्म ला यनफउ, ए अल्लाह मुझे उस इल्म से अपनी पनाह में ले ले, मैं उस इल्म के करीब न जाऊं जो गैर नाफे हो, जो नफा देने वाला ना हो। यह है। और उसके बाद कहा गया वमिन दुआ इल्ला युस्मा, और ऐसी दुआ से जो सुनी ना जाए। आप देख रहे हैं, इल्म पहले दुआ बाद में, दुआ अमल है। यानी अगर इल्म ना हो तो अमल मुमकिन ही नहीं, और अगर मुमकिन हो तो बेसुध है। इस वजह से इल्म पहले लाया गया, दुआ जो अमल है उसके बाद लाई गई है। यानी हर अमल के पहले इल्म का होना जरूरी है। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि फला साहब मादरजाद वली पैदा हुए। मादरजाद वली बोले तो, मादरजाद वली बोले तो पैदा हुए, मां के पेट से वली थे वो। जबकि मैं ये कहता हूं कि विलायत के लिए इल्म शर्त है, अगर इल्म नहीं है तो वली हो ही नहीं सकता। इसलिए कि विलायत की जो तारीफ कुरान हकीम में, उसमें दो चीजें हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हु इज वली, वली कौन? आगे बताया गया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जिनके पास ईमान हो, जिनके पास तकवा हो। जाहिर है कि ईमान इल्म के बगैर होता ही नहीं है, और तकवा इख्तियार करने के लिए इल्म जरूरी है। गोया ईमान के पहले भी इल्म जरूरी है। दलील, दलील कुरान हकीम की आयत, वकाल الذين اوتوا العلم والايمان। देखिए आप, इल्म पहले है और ईमान बाद में है। वकाल الذين اوتوا العلم والايمان, ईमान बाद में है, इल्म पहले। इसका मतलब है कि अगर आदमी के पास इल्म नहीं है तो ईमान का मतलब, ईमान के मुक्तजयात, ईमान की तफसीलात कुछ उसे मालूम नहीं होंगी। और ईमान तो ऐसी चीज है जिसके बगैर आदमी जन्नत ही में नहीं दाखिल हो सकता। इस हदीस पर रुके रहिए, अभी हम एक हदीस और पढ़ लेते हैं। हदीस, हदीस इस तरह, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم في كتاب الإيمان। حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لایا, اس روایت کے راوی بھی اتفاق سے حضرت ابو ہریرہ ہی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے जब तक के ईमान वाले ना हो जाओ। अब मैं पूछता हूं कि जन्नत में जाने के लिए ईमान जरूरी है, और ईमान आपको बगैर इल्म के मिलेगा ही। अब कोई पूछो व्हाट इज ईमान, ईमान क्या है? तो आपके पास अगर इल्म नहीं है तो ईमान की डिफिनेशन आप क्या बयान करेंगे? तफसीलात क्या है ईमान की? आपके पास इल्म ही नहीं, ईमान की तफसील कैसे बयान करेंगे? इसी वजह से इस आयत करीमा में इल्म का तस्करा पहले, ईमान का तस्करा बाद में। इसका मतलब यह हुआ कि पहले आदमी ईमान के बारे में इल्म हासिल करे, ईमान के मुक्तजायात, ईमान की तफसीलात को समझे। वकाल الذين اوتوا العلم والايمان, ईमान से पहले इल्म जरूरी है। और अभी मैंने बताया इस हदीस पाक में अमल से पहले इल्म जरूरी है, इसलिए कि दुआ अमल है, उसके पहले इल्म का तस्करा किया गया। अब आगे बढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन इल्म ला यनफउ, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं उस इल्म से जो गैर नाफे है, जो गैर नाफे। देखिए दुनिया की किसी चीज के बारे में आप हिर्स नहीं कर सकते, ख्वाहिशों को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जहां तक इल्म का मामला है, इल्म में हिर्स जायज है। ख्वाहिशात को कहां तक ले जाना चाहे तो ले जाओ। और मैं एक आयत करीमा की रोशनी में कह दूं तो बेजाना होगा कि इल्म का हुसूल एक मुसलसल अमल है, ये लायंतही इला हद्दिमा, किसी भी हद पर जाकर खत्म नहीं होता। दलील, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने रसूल को जो दुआ सिखाई है, ये दुआ किसी और को नहीं सिखाई गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखसूस दुआ है। वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, मेरे हबीब आप बोलते रहो, ए अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ाते रहे ना, अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ाते रहना। इस दियादे इल्म की दुआ इस बात की दलील है कि इल्म एक मुसलसल अमल है। उलमा तो इससे सैराब होते ही नहीं। कोई आदमी अगर इल्म के रूट पर चला गया, वो दाइश के ताल्लुक से मुझे मुताला करना हुआ तो चंद सफात पहले निकाले गए, फिर मैंने कहा चंद सफात और निकालो, जरा इनका बायोडाटा निकालता हूं कैसे लोग हैं ये। 1500 सफात पढ़ गया, अब भी तलब है कि मजीद इनके बारे में मालूमात हासिल करूं और कुरान और हदीस के रूप में परखूं इनको कि ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। 1500 सफात की स्टडी कर चुका हूं जी। उलमा सैराब नहीं होते, उलमा सैराब नहीं होते। और हिर्स अला मा यनफउ का, तो मुस्लिम की रिवायत कि जो चीज नफा बख्श है उसकी हिर्स जायज है, हिर्स जायज, हिर्स अला मा यनफउ।
अच्छा एक बात और बता दूं, हिर्स हम जिस माने में लेते हैं उस माने में हिर्स कुरान और हदीस में नहीं है। हम लोग जिस मफहूम में हिर्स को लेते हैं, लालच जिसको बोलते हैं, उस माने में अरबी में हिर्स नहीं है। जैसे वसीला, वसीला जिस माने में हम उर्दू में लेते हैं, अरबी में वो मफहूम नहीं है वसीले का। जी हिर्स कहते हैं। अल्लामा इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी प्यारी किताब शफाउल अलील फी मसाइलिल क़ज़ा वल क़द्र वल हिकमत वत तालील, तकरीबन 1000 सफात के ऊपर सिर्फ तकदीर का मसला समझाया उन्होंने। इतना बड़ा आलिम है और इब्न तैमिया के शागिर्द हैं, तारुफ की जरूरत नहीं, कितना बड़ा आदमी है। एक मसले के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर पूरी किताब लिख मारी 1000 सफात पे, मसाले तकदीर। नाम कितना प्यारा है, शिफाउल अलील फी मसाइलिल क़ज़ा वल क़द्र वल हिकमत वत तालील, इतना लंबा तो उसका नाम। उसमें लिखते हैं वो ये इहरिस अलमा यनफौका वाली हदीस की तशरीह में कि हिर्स नाम है किसी चीज की तलब में और तलाश में अपनी पूरी कुव्वत को, अपनी पूरी मेहनत को निचोड़ देना, दैट इज कॉल्ड हिर्स। इसको हिर्स बोलते हैं, ये जायज है। तो इहरिस अलमा यनफौका, अच्छा तो ऐ अल्लाह मुझे वो इल्म न देना जो नफा बख्श नहीं है, मैं उसमें हिर्स ना करूं। और ऐ अल्लाह मुझे ऐसी दुआ करने की तौफीक न देना जो तेरी बारगाह में मुस्तजाब ना हो। और ऐ अल्लाह मुझे वो दिल मत देना जो तुझसे डरे ना। एक नुक्ता ये बताऊं कि शैतान को इल्म नहीं था। अब बात आई गई है तो वो हदीस, वो आयत करीमा पढ़ दूं कि शैतान आलिम नहीं था। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा अल्लाह से डरने वाले होते हैं। अब देखिए आप, इल्म ये खशियत पैदा करता है। आयत करीमा को गौर से देखिए, इल्म खशियत पैदा करता है और खशियत इताअत पैदा करती है। इताअत नहीं तो खशियत नहीं, खशियत नहीं तो इल्म नहीं। कहां इताअत किया उसने? अल्लाह ने फरमाया सजदा कर आदम को, उस जुनूली आदम, नहीं किया उसने इताअत। नहीं इताअत क्यों नहीं की उसने? इसलिए कि उसके अंदर खशियत इलाही नहीं थी। और खशियत इलाही ना होना इस बात की दलील है कि उसके पास इल्म नहीं था। तो इल्म खशियत इलाही पैदा करता है, और खशियत इलाही अगर ना हो तो आदमी इताअत नहीं करता। अब जितने लोगों को देखो जो इताअत नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर उसी एतबार से, उसी मेयार से कमी है खशियत की। जितना डरते हैं उतना इताअत करते हैं, और जितनी इताअत करते हैं उसी के बकदर उनके पास इल्म है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, वो आलिम था ही नहीं इसलिए कि उसके अंदर खशियत नहीं थी। और अगर खशियत होती तो इताअत जरूर करता, इताअत नहीं किया, खशियत नहीं थी, खशियत नहीं तो आलिम नहीं था, इल्म नहीं था उसके पास। जहां तक मादरजाद वली की बात है तो वो भी कुरान हकीम के एक ऐसे साबित है कि विलायत के लिए इल्म जरूरी है, और साथ साथ विलायत के लिए तो करामत शर्त नहीं है, लेकिन करामत उसी से सादिर हो सकती है, सुदूरे करामत के लिए इल्म होना जरूरी है। वो आदमी जिसके पास किताब का इल्म था, ये एक तरीके की करामत थी, करामत। अगर ये गैर नबी से जाहिर हुई तो करामत थी, और करामत से पहले इल्म का तस्करा किया गया। قال الذين عنده علم من الكتاب, इल्म का हवाला पहले, और انا آتي كبه قبل ان يرتد اليك طرفه, ये करामत है कि इससे पहले आपकी पलक झपकने से पहले मैं 1500 किलोमीटर के फासले से तख्त उठा करके ले आऊंगा जो अल्लाह ने मुझे किताब का इल्म दिया है। उससे देखिए इतनी दूर से करामत, करामत क्या? अरे 1500 किलोमीटर के फासले से मैटर को ले आना। एक साहब क्या बात है, लोग मोबाइल के ऊपर ताज्जुब करते हैं, दुनिया मुट्ठी में सारे लोग परेशान हैं, दुनिया मुट्ठी में, अरे भाई तस्वीर ही तो आ रही है, यहां 1500 किलोमीटर के फासले से पलक झपकते ही पूरा मैटर आ गया। मैटर मींस वो असल चीज, 1500 किलोमीटर के फासले से वो मैटर ही, वो असली तख्त ही चला आया। साइंस वहां तक नहीं पहुंची और न पहुंच पाएगी, मैटर वहां से चला है पलक झपकते, सिर्फ तस्वीर आ रही। एक साहब तालीम के बारे में बात करने लगे कि आजकल अमेरिका में और लंदन में और यूरोपियन तहजीब में और यूरोपियन ममालिक में एक दूसरे तरीके की तालीम हो रही है।
हम ओरली पढ़ा देते हैं, बच्चा समझे या ना समझे, लेकिन वहां बाकायदा दिखाया जाता है। मसलन अगर लड़के को इंजीनियर बनना है तो क्या, कौन सा इंजीनियर बनना, बोले मैकेनिकल इंजीनियर, अच्छा ठीक है, तो उसके सामने कार के सारे पुर्जे खोल दिए जाएंगे हर हफ्ते हर 15 दिन पर, और बाकायदा दिखाया जाएगा कि ये कैसे इसको जोड़ा जाता है, और फिर उसको उस जगह ले जाएंगे उन बच्चों को जो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग दिखाएंगे उसे। मैंने कहा ये कौन सी नई बात है, ये एजुकेशन यानी विजुअल एजुकेशन, विजुअल विजुअल एजुकेशन यानी देख करके तालीम देना, ये तो कुरान हकीम में मौजूद है। बोलो कुरान में? मैंने कहा शेख अब्दुल अजीम ने अभी इत्मीनान कल्ब की बात कही, तो उसी इत्मीनान के ऊपर मेरा ज़हन इस आयत करीमा की तरफ मुंतकिल हुआ। अल्लाह ने फरमाया वइद क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौता, ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है, ये कॉन्सेप्ट है। हजरत इब्राहिम मानते थे कि अल्लाह जिंदा करता है मुर्दों को, ये तालीम है, ये एतिकाद है, कॉन्सेप्ट है, और वो भी कैसे कॉन्सेप्ट बता दिया गया, ओरल बता दिया गया कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। अब इसका विजुअल एजुकेशन दिया जा रहा है, कह रहे कि अल्लाह मैं देखना चाहता हूं प्रोसेसिंग कैसे होती है, मैं आंखों से देखना चाहता हूं, विजुअल एजुकेशन है। अरे तुमने तो एक मुर्दा चीज के पार्ट खोल करके फिर से जोड़ दिए, यहां एक जिंदा चीज के सारे पार्ट्स खोल दिए गए और विजुअल एजुकेशन दिया गया कि इस तरीके से एक जिंदा चीज को मुर्दा बनाने के बाद उसके अज्जा को एक दूसरे में मिक्स करने के बाद इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं। अल्लाह कितनी अजीबोगरीब किताब है, अल्लाह ऊपर हैरान हो जाता है, हैरान हो जाता है इस किताब को पढ़ने के बाद। अरे प्रैक्टिकल ही नहीं, एक होता है वर्बल यानी मुंह से बोल देते हैं कॉन्सेप्ट, जैसे अब लिख दिया गया कि भाई सवाल लिखा गया बोर्ड के ऊपर, एक जिस्म की कमियत 10 किलोग्राम है और उसकी रफ्तार 10 किलोमीटर पर सेकंड है, तो उस जिस्म पर लगाई गई कुवत महसूस कीजिए। एक फिजिक्स का सवाल, अब कुवत पूछा गया, कुवत तो कुवत को एफ से जाहिर कर, एफ इज इक्वल टू एम, यानी अगर एक्सेलरेशन को मास में जर्ब कर दिया जाए तो फोर्स मालूम हो जाए, तो एक कॉन्सेप्ट है एफ इज इक्वल टू एम, फोर्स बराबर है एक्सेलरेशन टू मास, इसरा को कमी से जर्ब कर दिया जाए तो तमारा ही मालूम हो जाती है, कुवत मालूम हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट है। अब उसको बोर्ड के ऊपर समझाया जाएगा कि इस तरीके से देखो ये इतनी फोर्स है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो मेरा ख्याल है कि 100 न्यूटन, इसलिए कि सीजीएस निजाम में तवाना यानी फोर्स की जो इकाई है वो न्यूटन, मेरा ख्याल है 100 न्यूटन आएगा कुछ, तो एक कॉन्सेप्ट है और उसके बाद उसे बोर्ड के ऊपर समझा दिया गया, और एक है उसे प्रैक्टिकल बता देना। कुरान हकीम कहता है प्रैक्टिकल मैं बता दे रहा हूं कि प्रोसेसिंग कैसे होती है, तुम तो मुर्दा चीजों की प्रोसेस करके बताते हो, हम जिंदा चीजों को मारने के बाद किस तरह प्रोसेसिंग करते हैं वो तुम अपनी आंखों से देख लो, विजुअल एजुकेशन, ये तालीम है ये इल्म। हालांकि कुरान हकीम कोई साइंस की किताब तो है नहीं, और ना उसके किसी कॉन्सेप्ट या किसी फॉर्मूले या जो कुछ उसमें बताया गया है, साइंस की किसी ताहित का मोहताज नहीं है, साइंस की किसी ताहित का मोहताज नहीं है। अरे एहतियात इंसानों के ख्यालात को होती है किसी दूसरे चीज की, अल्लाह तबारक व तआला ने यह चीज नाजिल फरमाई है। और एक नुक्ता और यहां से समझते जाओ कि बुखारी शरीफ की इब्तिदा जानते हो किससे हुई है, बाबू बदल वही से, और उसके बाद तमाम उलूम बयान किए गए, ये नियत का इल्म है तो ये इबादत है तो ये चीज है ये चीज है ये चीज है, बताया गया कि दुनिया के हर मामले में, अब बाबू किताबुल इल्म तो बाद में लाए, पहले बाबू बदल भाई, यानी इल्म की नाक में वही इलाही की नकेल, जब तक कहो इल्म एक बिगड़े हुए ऊंट की तरह, एक पागल हाथी की तरह, फीले हाइश की तरह किधर भी इधर उधर हो जाता है। तो खशियत पर बात आई थी तो वहां से हमने ये बताया कि शैतान को इल्म नहीं था, वो आलिम नहीं था, ये तस्वूरी गलत है, और दूसरे विलायत के लिए इल्म जरूरी है, और मैंने ये भी कहा कि करामत के लिए इल्म जरूरी है। अब जो मादरजात बोली, जो नंगा रहता नंगा, तो उसके पास दिमाग ही नहीं है, और ईमान के लिए दिमाग जरूरी है, इसलिए कि वो मुकल्लफ ही नहीं है। और जहां तक
अब विलायत के लिए अगर इल्म जरूरी है तो अल्लाह फरमाता कि कोई इल्म लेकर आता ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ वजअललकुम अस्समा वल अबसार वल अफिदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ही वो जात है जिसने तुमको तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला। ला तालमून शैआ, उलमा बैठे हुए नकरा अगर तातन नफिया तो उमूम का फायदा देता है। ला तालमून शैआ नकरा ला ला ता एक चीज नहीं जानते, एक चीज का इल्म तुम्हारे पास नहीं था। यानी आदमी माँ के पेट से निकला तो एक चीज का भी इल्म नहीं था। और जाहिर है कि विलायत के लिए जरूरी इल्म है। अब जब इल्म लेकर पैदा नहीं हुआ तो मादरजाद वली ये दर हकीकत हुरमते विलायत के ऊपर भी अंगुश्त नुमाई है। और इस तरह हुरमते लफ्ज भी पामाल होता है और हुरमते अकीदा भी। कुछ आया समझ शरीफ में? जी हाँ। तो हमने ये साबित कर दिया कि विलायत के लिए इल्म जरूरी, और जब इल्म जरूरी है तो मादरजाद वली का जो तसव्वुर वो गलत है। और करामत के लिए भी इल्म जरूरी है, वो काल लवी इंदहु इल्म मिनल किताब से साबित है। और इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा से साबित है कि शैतान ये आलिम नहीं था। तो इल्म की तकसीम हमने कैसे की थी? इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे। अल्लाह के रसूल ने इल्म नाफे की हिर्स फरमाई है और इल्म नाफे की हिर्स के लिए हमें तरगीब दी है। और इल्म गैर नाफे जो नफा बख्श ना हो उसकी आपने तरदीद फरमाई है, तफजीह फरमाई है, और इसी तरीके से उससे दूर रहने के लिए अल्लाह की पनाह मांगने के लिए कहा गया। और ऐसे दिल से जो अल्लाह से न डरे, आज सारा मामला इसी पर रुका हुआ है कि दिलों से अल्लाह की खशियत चली गई है लोगों के। देखो आज कहते हैं कि फला जगह रेप हुआ। अब किसी मौलवी ने अगर यह एतराज किया कि भाई ऐसा है कि औरतों को भी लिबास जरा अच्छे किस्म का पहनना चाहिए, जरा पूरा बदन दिखे, या इस तरीके से उड़िया लिबास नहीं पहनना चाहिए, या किसी साधु ने कोई बात कह दी कि भाई उनको भी जरा अपने हद में रहना चाहिए, तो औरतों की पूरी जमात खिलाफ हो गई। अरे मर्दों को अपने ख्यालात पाक रखने चाहिए, हम औरतों के ऊपर ये कदगन लगाने वाले कौन होते हैं? मुल्ला और ये साधु लोग, हम जिस तरीके से चाह रहे हैं हमारे ऊपर पाबंदी क्यों? इस तरीके का गलत बात है, गलत बात है। हर एक को अपने हद में रहना जरूरी है। और ठीक है कपड़े भी पहन लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अगर खशियत ना हो अल्लाह तबारक व ताला की, अल्लाह तबारक व ताला की खशियत जरूरी है, तब आदमी इन तमाम चीजों से बचेगा। दलील के तौर पर वो हदीस पाक ले लें तो सारा मसला हल हो जाता है। हदीस इस तरह वा नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال सबातु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही व मा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अल इमामुल आदिल व शाबुन नशाबे इबादतिल्लाह ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجل تحابب في الله استمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه مسلم في كتاب الزكاة حضرت امام مسلم رحمه الله اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الزکات کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ ہے ये सारी रिवायतें मेरा ख्याल है अबू हुरैरा ही की हो रही है अभी तक। ज़ियाद इब्ने लबीद की और इनकी अनस इब्ने मालिक की एक रिवायत मैंने पेश की थी। जी तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सात आदमी ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के साय में होंगे, अल्लाह के साय में होंगे। एक तो अल इमामुल आदिल, ये तो आप जानते ही, उनमें से एक आदमी ऐसा देखे, उसके पास पोस्ट भी और पैसा भी और खूबसूरत भी है, पोस्ट है खूबसूरत पैसा भी है, और वो बुला रही है बदकारी करने के लिए। वो ये बोलता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। ये चीज पैदा होनी जरूरी है। मुआशरा तब जाकर सुधरेगा जब रब की खशियत आदमी के दिल में पैदा होगी, तब ये तमाम चीजें रुकेंगी। वरना आप तमाम तदाबीर कर लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए, अगर ये चीज नहीं है खशियत, खशियत इलाही, आप कोई भी कानून नाफिज कर दें ये चीज बढ़ती जाएगी, रुकेगी नहीं। मैं चीज बताएगा वह रजुलुन दात हुन मरातुन जातु मन सभी मजमाल फकाल इन्नी अखाफुल्लाह, देख रहे हैं वही बात है। वहां तो बुला रही है रेप करने नहीं गया, वो तो बुला रही है और दावत गुनाह दे रही है, इसके बावजूद वो कह रहा है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये बुरा काम नहीं कर सकता इसलिए कि मेरे दिल में अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ है। ये चीज तो ए अल्लाह मुझे वो दिल मत देना जिसमें तेरा डर ना हो।
وَمِن نَفْسِ اللَّهِ تَشْبَعَ, اور ایسا نفس مت دینا جو کبھی آسودہ نہ ہو. ابھی تقریر میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ آدمی کی خواہش کسی حد پر نہیں رکتی جا کر کے, یہ ایسا نفس ہے جو کبھی آسودہ نہیں ہوتا, اس پر قدغن لگائی جائے, کنٹرول کیا جائے, اور کوئی بھی چیز اگر کنٹرول کے باہر ہو جائے نقصان دہ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم آزاد. بیسک انگلش ریڈر فار ہائی اسکول کے اندر ایک چیپٹر ہم نے پڑھا تھا, اس وقت جو چلتی تھی, ایک موٹی سی کتاب تھی, بیسک انگلش ریڈر فار ہائی اسکول. تو جس کا پہلا چیپٹر تھا انڈیا ہیز اے پلان, اس کے اندر آگے چل کر کے ایک چیپٹر تھا دا رولس آف دا روڈ, سڑک کے قوانین. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک بوڑھے حضرت صبح واکنگ کے لیے نکلے چھڑی لیے, اور تھوڑی دور چلنے کے بعد سڑک پر یوں یوں اسپن کرنے لگے, اس کو گھمانے لگے چھڑی کو. ادھر سے ایک آدمی واکنگ کرتے ہوئے گزرا, کہا کہ حضرت یہ جو چھڑی آپ گھما رہے ہیں ذرا اس کو ایک حد میں گھمائیے. اس نے کہا بوڑھے نے کہ میں آزاد ہندوستان کا آزاد ناگرک ہوں, میں اپنی آزاد چھڑی کے ساتھ آزاد اسٹک کے ساتھ جس طرح چاہوں ٹریٹ کر سکتا ہوں, سلوک کر سکتا ہوں. کہا کہ حضرت بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بالکل صحیح, لیکن آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی تھی. تو ہر چیز کو کنٹرول میں رہنا چاہیے, کوئی چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے نقصان دہ ہوتی ہے. تو آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. اب آپ گھما رہے ہیں, بغل سے کوئی واک کرتے ہوئے گزرا, اس کی ناک میں آپ کی چھڑی لگ گئی تو کیا ہوگا؟ تو علم جہاں پر بولا جائے العلم, وہاں سے مراد علم دین ہے. علم دین آپ دنیاوی علم حاصل کیجئے, لیکن علم نافع میں پہلی تقسیم اس طرح کریں گے, علم کی دو قسمیں, علم نافع علم غیر نافع. علم نافع کی طلب کیجئے, علم غیر نافع سے دور رہی. اب علم نافع کی بھی دو قسمیں کیجئے. علم نافع وہ جو آخرت کے لیے آپ کے کام آ سکے اس پر زیادہ توجہ دے, اس میں افضل وہی ہے. اور جو علوم دنیا میں آپ کے لیے نفع بخش ہیں ان میں پہلے علم کی نکیل ڈال دیجئے. دلیل, بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت زیادہ بہتر, زیادہ باقی رہنے والی. ظاہر ہے کہ وہ باقی رہ رہی ہے, بہتر ہے, تو تم اس بہتر عالم کے لیے, ان بہترین نعمتوں کے لیے زیادہ ان علم کو, ان علوم کو حاصل کرو گے جو اس بہتر چیز کے کام آ سکے, اس بہتر چیز کو حاصل کرنے میں کام آ سکے. اور آخرت کا علم یہی ہے قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث اس وجہ سے آئے کہ وہ بتائے کہ آخرت میں کامیابی ہونے کے اسرار کیا ہے, راز کیا ہے, وہ قرآن اور حدیث نے بتایا. لہذا علم نافع میں سب سے زیادہ توجہ کے مستحق یہی ہے, قرآن اور حدیث. اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے, اس کے بعد اب دنیا کا علم حاصل کیجئے. مگر دنیا کے ہر علم کی ناک میں اس وجہ الہی کی نکیل ہونا ضروری ہے, ورنہ یہ سارے علوم آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائیں گے. ایک ڈاکٹر ڈاکٹری پڑھ کر کے آئے گا, کڈنی نکال لے گا کسی, اس لیے کہ اس کے اندر ہرس بھری ہوئی ہے, اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے, وہی الہی کے نکیل نہیں. ایک انجینئر ہے, وہ کسی طریقے سے آپ کا گھر بنانے کے لیے اگر 2 لاکھ میں بنتا ہے تو 4 لاکھ لے لیں. تو ہر علم کے اندر, ہر علم کی ناک میں وہی الہی کے نکیل ہو. تو علم نافع, علم غیر نافع. علم نافع کی دو قسمیں, جو آخرت میں کام آ سکے, علم دنیا جو آپ کے لیے مفید ہو, مگر اس علم کے اندر پہلے علم کی نکیل ہونا ضروری. یہ تقسیم ہم نے ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں کی ہے. شیخ ٹائم ہے کہ ختم کریں بات کو؟ جی دیکھیے, آپ تو کسی کالج میں جو قریب ہوتا ہے کسی اسکول میں اپنے بچے کو ڈال دیتے ہیں, اور وہ بھی سالوں پڑھتا رہتا ہے. بہت دور آپ لے جا کر کے اگر آپ کے پاس ذرائع نہیں ڈالتے اپنے بچے. آپ دیکھ رہے ہیں علم دین کی طلب کتنی تھی ایک آدمی کو, دیکھیے. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے. حدیث اس طرح, وان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتهم
رزق لطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينار ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه ابو داود في كتاب العلم حضرت امام ابي داود رحمه الله اس حدیث پاک ویسے کتاب العلم میں لا رہا ہے دیکھ رہے ہیں حال ایک کتاب العلم ہی میں لا رہا ہے اور بیان یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اصل علم قرآن اور حدیث کا علم ہے اگر آپ دنیا کے تمام علوم کو پڑھ لیں اور قرآن و حدیث کا علم آپ کے پاس نہیں آپ جاہل ہیں قرآن و حکیم قرآن و حدیث کی نگاہ میں ایک آدمی ہے کثیر میں قیس وہ کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت ابو الدرداء کے پاس جامع مسجد دمشق میں بیٹھا ہوا تھا اچانک ایک آدمی آیا السلام علیکم وعلیکم السلام کہنے لگا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو الدرداء آپ یہاں دمشق میں سیریا میں شہر رسول مدینہ سے چل کر کے آ رہا ہوں ارے اتنی دور سے کہاں مدینہ کہاں دمشق شاعر نے بہت اچھا کہا کہ سارت مشرقتا وصرت مغربا شتا بین مشرق و مغربی وہ کہاں ہے مدینہ اور کہاں ہے سیریا اتنی دور سے آپ یہاں تشریف لائے کیوں کہا ما جیتو لحاجتی میں کسی اور غرض سے نہیں آیا انی جیتکم من مدینتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انکا تحدثو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حدیث کے لئے لحدیث ایک حدیث کے لئے آیا ہوں جس کے بارے میں میں نے سنا کہ آپ ان کے ساتھ بیان کرتے ہیں ار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سننے کے لئے آیا ہوں تو پہلے انہوں نے علم کی فضیلت بتائی وہ بھی علم دین کی من سلک طریقا یطلب فیہ علما وہ آپ لوگوں کے لئے بھی ہے کہاں کہاں سے آپ آئے ہیں بمبئی کے کن کن کونوں سے آپ تشریف لائے ہیں کیوں آئے ہیں علم دین جاننے کے لئے کہ کچھ اور پڑھنے کے لئے آئے کچھ اور سننے کے لئے آئے نہیں نا علم دین تو آپ لوگوں کے لئے بھی یہی ہے من سلک طریقا یطلب فیہ علما جو آدمی کوئی ایسا راستہ چلے جس کے اندر اس کا معاملہ اس کی آرزو اس کی تمنا اس کی طلب علم حدیث علم قرآن ہو تو وہ راستہ نہیں چل رہا ہے در حقیقت وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے آپ خیرانی روڈ کے راستے پر آئے یہ حدیث بول رہی ہے کہ آپ جنت کے راستے پر آ رہے ہیں سلک اللہ بھی طریق من طرق الجنہ جنت کے طریقے پر جنت کے راستے پر آ رہے اور یہی نہیں یہ تو پہلی فضیلت ہوئی علم دین کی دوسری فضیلت ملائکہ اپنے پروں کو طالب علم علم کی تلاش کرنے والے کی راہ میں ان کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں یہ پہلے بھی آدم علیہ السلام فضیلت میں ان سے جیت گئے تھے تو اب پر نہیں بچھائیں گے تو کیا کریں گے پر ہی بچھا رہے نا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزَلْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ اچھا یہ دوسری فضیلت ہوئی تیسری فضیلت وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَهُ اللَّهُ زمین اور آسمان زمین ساتوں زمین ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں من فی السماوات جتنی بھی چیزیں سب دعا کرتی ہیں اب آسمان آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں سب عالم کے لئے دعا کرتی ہیں اب ہو گئے آسمان اور زمین بچے پانی بچا پانی وَالْحِتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ کتنی مچھی ہے چھوٹی بڑی سب دعا کرتی ہیں عالم کے لئے عالم کی فضیلت سمجھ میں آئی بیٹھے ہوئے خالی سن رہے ہو ابھی احترام علم احترام علماء کی بات ہو رہی ہے ارے علم دینے والے یہاں بیٹھے ہوئے آپ سننے کے لئے آئے ہیں اور فضیلت آپ کی یہ بتائی گی کہ آپ جنت کے راستے پر ہیں دوسری فضیلت یہ کہ آپ کے پروں کے نیچے آپ کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں تیسرے یہ کہ آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب آپ کے لئے دعا کر رہی ہیں زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب آپ کے لئے دعا کر رہی ہیں چار فضیلت پانچویں فضیلت مچھیاں جتنی ہیں مچھلیاں والحیتان فی جوف الماء پانی کے اندر ساری مچھلیاں وہ سب دعا کر رہی ہیں اچھا یہ چوتھی پانچویں فضیلت ہوئی اچھا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ ایک ہے پرہیزگار ہے رات و دن عبادت میں لگا ہوا ہے اس کی فضیلت ایک عالم عالم کی فضیلت اس کے اوپر ایسے ہے چاند کے مقابل میں تمام سیارے تمام ستارے اچھا اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ ایک نکتہ یہ بتا دوں کہ میراث جو بڑھتی ہے آدمی جب مرتا ہے تو قرآن اور حدیث کے قاعدے کے مطابق میراث بڑھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا وصیت لوارث وارث کے لیے وصیت نہیں ہے بیٹی کا حصہ آدھا ہے لڑکے کے مقابلے میں لڑکے کا دو حصہ لڑکی کا ایک حصہ اب کوئی وصیت کر دے کہ بھئی لڑکی کا ایک حصہ تو ملنے والے میری طرف سے لڑکی کو میں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اس کو ایک بلڈنگ وہ دے دینا میری غلط ہے یہ وصیت صحیح نہیں ہے فلا وصیت لوارث وارث کے لیے وصیت نہیں ہے اسی طریقے سے تقسیم ہوگی وراثت کی جس طریقے سے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا لیکن ایک وراثت ایسی ہے
जितना जो चाहे ले ले, उसमें कुछ कायदा कानून नहीं है, उसमें कोई कायदा कानून नहीं है। कौन सा, कौन सी वरासत है वो? ये वरासत है अंबिया की वरासत। वइनल उलमा वरासतुल अंबिया, वइनल अंबिया लम युरिसु दीनार वला दिरहम, वो तो दिरहम और दीनार की वरासत छोड़ते ही नहीं है, वो तो इल्म छोड़ करके जाते हैं। इन्नमा वरसुल इल्म, सवाल ये है कि अंबिया को कौन सा इल्म दिया गया था? यही अल्लाह की किताब का इल्म और उनके हदीस का इल्म, जो बोलते थे। وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ, علم جو آسمانی علم ہوتا تھا اللہ کی طرف سے آیا ہوا, اس کے بعد اس کی وراثت چھوڑتے تھے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِعَزْمٍ وَافِرٍ, اب جو جتنی زیادہ محنت کر کے جتنا زیادہ لے لے, اس وراثت میں کوئی قانون اور کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ مرنے والا جب دنیا کی وراثت چھوڑتا ہے تو قانون اور قاعدہ ہے, لیکن نبی کی وراثت میں کوئی قانون اور قاعدہ نہیں ہے۔ جتنا لینا چاہو, جتنی آپ کے پاس استطاعت, آپ محنت کے مطابق اس وراثت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انبیاء کی وراثت میں اور ایک عام آدمی کی وراثت میں اور علمی وراثت میں اور ایک دنیاوی چیز کی وراثت میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ علم جانتے ہیں روشنی ہے, روشنی۔ اور ایک بات بڑی عجیب بتا دوں میں آپ کو, جتنے بھی مشاعر ادراک ہیں, مشاعر ادراک کا مخزن یہ سر ہے, آپ دیکھیں سوچنے کی قوت, قوت ادراک کی آدمی کے دماغ میں, دیکھنے کی قوت, اگر آدمی کے پاس آنکھ نہ ہو تو کیسا ہوتا, اندھے سے پوچھ لو۔ آپ خوشبو اور بدبو معلوم کرنے کے لیے ناک, اسی طریقے سے سننے کے لیے کان۔ تو مشاعر ادراک کا مخزن سر ہے اور سب سے اوپر اسی کو رکھا گیا ہے, اور اسی وجہ سے محبت میں اور اعزاز میں ایک عالم کے پیشانی کا بوسہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عثمان بن مظعون کے مرنے کے بعد ان کے میت کو بوسہ دیا, پیار سے اور محبت میت کو بوسہ دیا, پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ یہاں پر بوسہ دیا جاتا ہے, اس لیے کہ مشاعر ادراک کا مخزن ہے۔ دیکھنا یہاں, سننا یہاں, چکھنا یہاں, سونگنا یہاں, سوچنا یہاں, سارے علوم کا مخزن تو یہاں ہے۔ اس کے بعد نمبر کس کا ہے؟ آزائے عمل کا, ہاتھ کا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ پیر کا حوالہ نہیں دیتا, زیادہ تر ہاتھ کا حوالہ دیتا ہے۔ ارے ان لوگوں نے جو کچھ کیا ان کے ہاتھوں کی کمائی, پیر نہیں لاتا, وہ پیر نہیں لاتا, ہاتھ بولتا ہے۔ اس لیے کہ علم کے جتنے بھی مشاعر ہیں ان کے بعد آزائے عمل ہے۔ آزائے اس کا مطلب علم کے بعد عمل ہے, عقلن بھی دیکھا جائے تو علم, اس کے بعد عمل۔ علم کے اعضا کے بعد اعضا عمل ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کے بعد عمل ہوتا ہے, اور عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ منڈی ہی نہ تو ہاتھ کٹا, مطلب منڈی ہی نہیں۔ وہاں ایک جگہ گئے تھے ہم تو پتا چلا کہ یہاں دو مزارات ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ دو مزارات کا, تین مزارات ہیں وہ کا, بولے وہ لڑتے ہوئے انگریزوں سے گئے تو منڈی یہاں کٹ گئی, تو یہاں ان منڈی دفن کر دی گئی, یہاں بنا دیا۔ وہاں ہاتھ کٹ کر کے گرا تو وہاں ایک اور مدار بنا دیا گیا۔ بولے وہاں پر دھڑ پڑا تھا تو لڑتے ہوئے بغیر سر کے ادھر سے چلے گئے, وہاں گرے تو وہاں پر ایک قبر اور بنا دی گئی۔ تو بغیر منڈی کے لڑ رہے تھے, بغیر منڈی کے لڑ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی سر ہی نہیں ہے وہ کیسے لڑ رہے تھے سمجھ میں نہیں۔ اس لیے کہ آزائے مشاعر ادراک جو ہیں وہ سب اوپر ہیں علم کے آزا, اس کے بعد وہ آزائے عمل ہیں, اس کے بعد نیچے آزائے دولت۔ اس میں دولت کون سا؟ میدا۔ اور یہ چھپا ہوا ہوتا ہے, ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ, اور یہ ایسی چیز اگر نکالا نہ جائے تو مر جائے گا آدمی۔ ڈالتا تو چلا جاتا ہے, نکالا نہ جائے تو مر جائے گا, مر جاتا۔ آزائے دولت یہاں, اور اسی کے پیچھے پوری دنیا پاگل, اسی کے دنیا اس کو نکالا نہ جائے پاگل ہو جائے, آدمی مر جائے گا۔ اور اگر نکلے نا تو پتا ایڈمٹ کرنا پڑتا, پھر ایک مخصوص طریقے سے وہ چیز نکالی جاتی ہے۔ یہ آدھا ہے دولت۔ اس کا مطلب ہے دولت کا معاملہ سب سے نچلے درجے کا ہے, اور ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے نہ عمل کر رہا ہے نہ علم حاصل کر رہا ہے, صرف اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو تیسرے مرتبے میں اور سب سے خصیص اور سب سے رذیل جگہ پر, جو ان دونوں کے مقابلے میں انتہائی خصیص درجے پر, انتہائی رذیل درجے پر ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ علم کے اوپر محنت کرنی ضروری ہے۔ تو ایمان سے پہلے علم, عمل سے پہلے علم, ہر چیز۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے, کہتے ہیں کہ یہ باب ہے علم حاصل کرنے کا, کہ آدمی اپنی لونڈی کو تعلیم دے۔ یہ باب ہے
कि आदमी अपनी लौंडी को तालीम दे, अपनी नौकरानी को। अल्लाह अकबर, इस्लाम में इल्म की इतनी अहमियत है कि उसके घर जो नौकरानी होनी चाहिए वो भी इल्म वाली हो, वो भी इल्म वाली हो, इतनी अहमियत है इल्म की। और सबसे बड़ी चीज जो अभी बताई गई, शिर्क। जानते हैं किसके पेट से पैदा होता है? इल्म के पेट से नहीं, जहालत के पेट से पैदा होता है। अल्लाह ने फरमाया, अफगैरल्लाहि तामुरूनी अबुदु अय्युहल जाहिलून, ऐ जाहिलो तुम अल्लाह के अलावा की तरफ तुम मुझे हुक्म देते हो आने की कि मैं अल्लाह को छोड़कर के किसी और की इबादत करूं। गोया अगर कोई आदमी गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है और गैरुल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहा है तो वो बहुत बड़ा जाहिल है। पता ये चला कि शिर्क पैदा होता है जहालत की पेट से, जहालत के शिकम से पैदा होता है। ये इतनी खतरनाक चीज है। आज जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सब ला इल्मी की बुनियाद पर हो रही है, और अगर इल्म भी है तो इल्म गैर नाफे है, इल्म गैर नाफे, और अगर नफा बख्श इल्म है भी तो उस इल्म की नाक में वही इलाही की नकेल नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हमें इल्म को समझें कि हकीकी इल्म क्या है। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। ये थे हमारे मेहमान गिरामी फजीलतुश शेख जलालुद्दीन साहब कासमी हफीज़हुल्लाह, जो इल्मे दीन की अहमियत और ज़रूरत के हवाले से कुछ बुनियादी निकात पर रोशनी डाल रहे थे। दीनी भाइयों, रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह ही अज़ीमुश्शान जलसे आम बउनवान इस्लाह मुआशरा अल्लाह की तौफीक और उसकी इनायत से इख्तिताम पज़ीर हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम जितना शुक्र अदा करें कम है। साथ ही साथ हम अपने मेहमान उलमा के खुतबा के बेइंतहा शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहाँ यहाँ शरीक हुए और अपनी इल्मी खिताबात से आपको मुस्तफीज़ किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। इसी तरीके से हम आप तमाम अहबाब गिरामी कदर के बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कि आपने यहाँ की जमात और जमीयत की दावत पर लब्बैक कहा और उनकी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। हम आपके बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कि आपने अभी तक इतने वक़ार सुकून का मुजाहरा किया और अपने हुस्न ताउन से इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाने में हमारा साथ दिया। हम आपके बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से पुलिस महकमा के भी बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाने में अपने कीमती और गिरा कदर ताउन से और इजाज़त से नवाजा। उनके भी हम बेइंतहा यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से, यहाँ के अहबाब की तरफ से शुक्रगुजार हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी शुक्रगुजार हैं, यहाँ के कॉरपोरेटर के भी, कि सारे लोगों ने यहाँ इस जलसे को कामयाब बनाने में अपना ताउन दिया है। इसी तरीके से उन सारे अहबाब के, जमाती इख्वान और बरादरान के, सारे बुज़ुर्ग और नौजवान के हम बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस जलसे को यहाँ तक पहुँचाने में अपनी अनथक मेहनतें कोशिशें सर्फ की। जिन लोगों ने भी किसी तरह का ताउन किया, किसी तरह की मेहनत की, कोशिश की, जिस्मानी मादी सब की कोशिशों को अल्लाह कबूल फरमाए और इसे उम्मत के हक में, जमात के हक में बाबरकत बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी हाज़िरी को, सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए और इस जलसे की अफादियत को आम फरमाए और ये हमारी मिल्लत जमात, हमारे नौजवानों की इस्लाह का ज़रिया बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र के साथ इस अज़ीमुश्शान जलसे आम के इख्तिताम का ऐलान किया जा रहा है। सुबहानकल्लाहुम्म बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।